मेरे प्यारे साथियों, ये बड़गलाना और जहर उगालने का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो इन मंत्र के तहत अपना भगवान साबित करे, अपना खुदा साबित करे। हम तो राम जी को बड़ा दर्जा देते हैं कि राम जी बड़े नेक इंसान थे, बड़े महान पुरुष इंसान थे। अगर अल्लाह से उसकी दोस्ती होती तो हम उसको वली भी मानते, लेकिन अल्लाह से दोस्ती किताबों से साबित नहीं है, इसलिए हम उसको अल्लाह का वली नहीं मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि राम जी का आदाब और अखलाक बहुत बड़ा अच्छा था, उनका कैरेक्टर अच्छा था। वो आजकल की तरह, नौजवानों की तरह और आरएसएस जनसंघीर की तरह, बजरंग दलों की तरह जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को हत्या नहीं करते थे। राम जी का अखलाक बहुत बड़ा अच्छा था, हम आज भी उसको महान पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राम कोई खुदा नहीं था, राम कोई भगवान नहीं था। आइए उस ईश्वर की सिफात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, या एकाए तमुष्ट ही, उसी की पूजा करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वाहबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, उसी की इबादत करो, उसके अलावा कोई पूज के योग नहीं है, किसी की पूजा पाठ मत करो। आए मेरे प्यारे साथियों, उस ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहा है, उस ईश्वर की सिफात इस मंत्र के जरिए हमें और आपको पता चलता है। मंत्रों से ये साबित है, नतास ये प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी कोई छवि नहीं होगी, जिनकी कोई मूर्ति नहीं होगी, वो निराकार होंगे, यानी उनकी कोई मूर्ति नहीं होगी, उनकी कोई स्टैचू नहीं होंगे। आज देख लीजिए कितने लोगों की मूर्तियां बनी हुई है, कितने लोगों की शक्ल सूरत बनाकर सामने रखकर इबादत किए जाते हैं। लेकिन ईश्वर की सिफात ये बयान हो रही है कि उस ईश्वर की सिफात ये है कि उसकी कोई छवि नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि अल्लाह की कोई छवि नहीं, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है और अल्लाह को कोई देख नहीं सकता है। हम राम जी की अगर नमन करें, राम जी की अगर इबादत करें, तो राम की मूर्ति बनाकर अपने सामने रखकर इबादत करते हैं, श्री कृष्ण जी को अपने सामने रखकर इबादत करते हैं। लेकिन इस मंत्र में साफ कहा गया कि नतास ये प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा है जिनकी कोई फोटोग्राफ नहीं, जिनकी कोई छवि नहीं, जिनकी कोई मूर्ति नहीं। इस मंत्र का क्या तर्जुमा होगा? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इस मंत्र का क्या तर्जुमा होगा? नतास ये प्रतिमास। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो तसव्वुर है कि हम अल्लाह को डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, हमारी नजर अल्लाह को देखती है, हमारा दिल अल्लाह को देखता है, और हम ये भी तसव्वुर करते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह की बसीरत हर जगह मौजूद है, यानी अल्लाह हमें देखता है लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, और हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते हैं, ये भी मंत्र है। ना समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्य ना कक्षु सकश्यापि कस्कनेनम, वो ईश्वर जिसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, वो ईश्वर जिसको दुनिया का कोई इंसान देख नहीं सकता। राम जी को कोई देखा है? श्री कृष्ण जी को कोई देखा है? राजा दशरथ का एक साथी था जिनका नाम जटायु था, उनको कौन देखा? राम जी ने उनको अंतिम संस्कार दिया, पता चला देखा कि नहीं देखा। और तो छोड़िए, सीता के बारे में बताया गया कि बड़ी पाकदामन है, मैं भी तसव्वुर करता हूँ तुम्हारे कौल के अनुसार बड़ी पाकदामन है, नेक औरत है। लेकिन उन सीता को जब रावण ने हरण करके ले गया, और कहाँ ले गया? लंका लेकर गए, लंका में अशोक वाटिका में रखे, अशोक वाटिका में रखे, और रावण की दासिया सीता के पास उसी जड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे, उसी पेड़ के नीचे उसको समझाया करती थी, उसी को सुलझाया करती थी और फुसलाया करती थी कि हे सीता, तुम रावण की पत्नी बन जाओ, ये तुम्हारे लिए पूरे के पूरे महल है, ये तुम्हारे के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग है, रावण की पत्नी बन जाओ। सीता ने कहा, नहीं नहीं, मेरा शौहर, मेरा पति राम जी है, मैं राम को नहीं छोड़ सकती, मैं लालच में नहीं आ सकती। अरे मेरी माओ बहनों, अगर तुम्हें भी कोई लालच दे कि तुम्हारा शौहर पैसा नहीं कमाता है, तुम्हें भी कोई लालच दे कि तुम्हारा शौहर गरीब है, तुम दूसरे शौहर से शादी कर लो, तुम दूसरे शौहर से भाग जाओ, तो बिल्कुल
ऐसा नहीं करना, जो तुम्हारे शौहर के पास मौजूद हो उसी को लेकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, उसी से ये समझना कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ज़रूर अपनाइएगा कि हम लालच में पढ़कर किसी के साथ ना भागे। मेरे प्यारे साथियों, वो सीता जी वृक्ष नीचे बैठी है, हनुमान जी सीता की खोज में आते हैं, लंका आते हैं और लंका में सबसे पहले उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और घने घने पत्ते में छुप जाते हैं। और घने घने पत्ते में छुपने के बाद नीचे की तरफ देखता है तो सीता जी बैठी है। पता चला कि सीता इतनी पाक दामन औरत है, लेकिन हनुमान ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह की सिफात क्या है उसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, दुनिया का कोई बड़ा इंसान देख नहीं सकता, दुनिया का कोई बड़ा महान पुरुष इंसान उसको नहीं देख सकता, यहां तक कि नबी भी अल्लाह को देख नहीं सकता, रसूल भी अल्लाह को देख नहीं सकता है। अल्लाह के नबी को मेराज का सफर कराया गया। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ने आपको मेराज का सफर कराया, आप पहले आसमान पर एंट्री किए, जवाब आया, सवाल किया गया कि कौन, जवाब दिया गया कि मोहम्मद, दरवाजा खोला गया, मरहबा कहा गया, दूसरे आसमान पर एंट्री किए, तीसरे आसमान पर एंट्री किए, इसी तरह करते करते आपने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, लेकिन आपने अल्लाह को देख नहीं पाया, अल्लाह को देखा नहीं। हजरत आयशा कहती है, जो ये शख्स दावा करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को देख कर आए हैं वो सरासर झूठा है, यानी मोहम्मद ने भी अल्लाह को देख नहीं सका है, मोहम्मद ने भी अल्लाह को देख नहीं पाया है। आइए और एक अहम वाकयात की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मूसा अलैहि सलाम भी अल्लाह के एक रसूल है, अल्लाह का एक रसूल है, लेकिन जब अल्लाह ने उसको जबले तूर को ही तूर पर ले गया, अपने मुकर्रर वक्त पर मूसा को ही तूर पर गए, मूसा को ये ख्वाहिश आ गई कि हम अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह से जब बातचीत की, कलाम किया, तो मूसा ने कहा, अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ जाए और उसको अगर कैमरे में या कोई ऐसे मकान बना दिए जाए, उसके अंदर उसको रख दिए जाए और कोई शख्स ये कहे कि हम उसको देखना चाहे, वो देख सकता है कि नहीं सकता है? अरे मैं उसको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन अगर दिखाए तो वो देख सकता है। मूसा को ख्वाहिश जागी, जिस तरह हम और आप ये चाहते कि कोई बड़े इंसान को देखे, तो मूसा को ये ख्वाहिश जागी कि अल्लाह मैं आपसे आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, लन तराने आए मूसा, तुम कभी हमको नहीं देख सकते हो, हमको देख ही नहीं सकते हो। अच्छा, देख नहीं सकते हैं? कहा, एक काम करो, अगर मुझे देखना ही है तो ये जो पहाड़ है इन पहाड़ की तरफ देखो, अगर तुम्हें पता लगे कि पहाड़ अपनी जगह पे बरकरार रहे तो तुम मुझे देख सकती हो। अल्लाह ने थोड़ी सी अपनी तजल्ली उस पहाड़ के ऊपर की, थोड़ी सी रोशनी, वैसे पहाड़ रिजा रिजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह को देख नहीं सका है, तो हकीकत में ये मंत्र से साबित होता है कि अल्लाह की जात वो है जिसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, दुनिया का कोई इंसान देख नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हकीकत में ये मंत्र से साबित होता है, ये मंत्र लफ्ज, ये मंत्र दलालत अगर किस चीज पर कर रहा है, अल्लाह ताला की जात पर दलालत कर रहा है कि अल्लाह ताला को कोई दुनिया की निगाह देख नहीं सकती है। मूसा जैसे रसूल, मूसा जैसे जलाली रसूल, जिनको अल्लाह ने जलाली बताया, जिनको हदीस कुरान ने जलाली बताया, एक मर्तबा मलकुल मौत आए, उन्होंने कहा, मूसा मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, मूसा ने तमाचा थप्पड़ मारा मलकुल मौत के चेहरे पर। मेरे भाइयों, उनकी आंख काना कानी हो गए और वो अल्लाह के पास चले गए। मेरे प्यारे साथियों, मूसा जलाली था, मूसा जैसे रसूल को अल्लाह को देख नहीं सके। हकीकत में ना समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्य न कक्षु सकस करेनम, अल्लाह की जात को कोई निगाह देख नहीं सकती है। आइए, एक बड़ा नादान इंसान था फिरौन, जिसने बैक वक्त पूरी आधी दुनिया में हुकूमत की। उसने कहा, मुसलमान कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बनी इसराइल चीख कर कहता है अल्लाह अल्लाह, मूसा कहता है अल्लाह की तरफ आओ अल्लाह की तरफ आओ, अरे अल्लाह क्या है, अल्लाह को देखेंगे। उसने अपने हामन से कहा, अपने भाई हामन से कहा, हामन एक काम करो, बहुत ऊंचाई तक मकान तैयार करो, बिल्डिंगें बनाओ, हम उस पर चढ़ के अल्लाह को देखेंगे। फिरौन जैसे अक्ल वाले अभी भी लोग मौजूद हैं,
फिरौन जैसे नादानी हरकत वाले अभी भी लोग मौजूद हैं। हम अल्लाह को देखेंगे, आसमान पर जाएंगे, आसमान नौजबिल्लाह उन जाले, आसमान कोई जा ही नहीं सकता है, चांद पर जा सकता है लेकिन आसमान कोई जा ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हामान को हुक्म दिया एक बड़े मकान बनाओ, बड़ी बिल्डिंग बनाओ, बड़ी इमारत बनाओ, उसके ऊपर चढ़ के अल्लाह को देखेंगे। कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता है, अल्लाह की जात को कोई निगाह देख नहीं सकती है। हकीकत में इस मंत्र से साबित होता है कि अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता है। आज मान के चलिए उस जमाने में क्या थी, बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी। आज कोई कुतुब मीनार पे चढ़ जाए, बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाए और ये सोचे कि अल्लाह को देखेंगे, देख सकेंगे। एक वैज्ञानिक की बात मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ी ही दूर गए थे, आज से 100-150 साल पहले थोड़ी ही दूर गए और जब देखा कि अल्लाह उल्लाह कुछ नहीं, नीचे आए, सबको ऐलान किया, लोगों जमा हो जाओ, पूरी सभा में लोग जमा हो गए और सबसे कहा जो अल्लाह अल्लाह कहते थे हमने पूरा घूम लिया, पूरा चढ़ के आगे देख के आगे, अल्लाह है ही नहीं। सब लोगों को पुरवक बनाया जाता, बेवकूफ बनाया जाता है। तो ऐसी सोच अगर आपके अंदर है तो आप खत्म कीजिए और ये समझिए, जब भी हम कोई नेक कमल करें, जब भी हम कुछ करें, चाहे अच्छे अमाल हो चाहे बुरे अमाल, हम ये समझे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर ज़हन में ना आए तो हम और आप ये समझे कि हमें अल्लाह देख रहा है। आए मुसलमानों, हमारा और आपका ईमान का अंदाजा इस चीज से लग जाएगा अगर हमारे सामने ये कह दिया जाए कि तुम्हारे सामने आज सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, तुम चोरी नहीं कर सकते हो। हम सीसीटीवी कैमरे की डर से चोरी करना छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह ताला की जात जो हमें और आपको हमेशा देख रही है, अल्लाह हमेशा हमको देख रहा है, लेकिन हमारा ईमान इसमें पता चलता है कि कमजोर हो गया है कि हम अल्लाह ताला को देखकर डरते नहीं है, इस दुनिया की सीसीटीवी कैमरे से डरते हैं। अरे मुसलमानों, अगर मान के चलिए कोई चोरी करके अगर भाग भी गया और सीसीटीवी कैमरे में पकड़ में नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं हम दुनिया की नजरों से बच गए तो आखिरत में भी बच जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बहुत सख्त होगी, मेरी पकड़ बहुत सख्त होगी, हम इंसान को पकड़ लेंगे, इस दुनिया में लोगों से बच बच कर निकल जाएगा, उनकी बुराई छुपा दिए जाएंगे, उनकी बुराई छुप जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की निगाह उसको देख रही है, अल्लाह की अदालत में बच नहीं सकता है। आज हमारे देश में एक मुसलमान लीडर को, एक मुसलमान लीडर को टोल प्लाजे में चार चार गोलियां चलाई गई। सीसीटीवी कैमरे ना होते तो पकड़ में ना आते, सीसीटीवी कैमरे ना होते पकड़ में ना आते, लेकिन सोच रखने वालों, आए घटिया सोच रखने वालों, अगर ये सीसीटीवी कैमरे में ना होते तो वक्ती तौर पर इस दुनिया में पकड़े ना जाते, लेकिन आखिरत में पकड़े जाते हैं कि गोली चलाने वाला कौन था, किसने गोली चलाए। मैं किसी इलेक्शन चुनाव आयोग का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि अगर कोई शख्स किसी पर वार करे और ये समझे कि हम उसकी निगाह से बच गए तो हम ईश्वर की निगाह से भी बच जाएंगे, हम अल्लाह की निगाह से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अल्लाह की निगाह में जरूर वो पकड़े जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मंत्र उसी चीज पर दलालत कर रहे हैं। आइए और मैं आपको ईश्वर के सिफात और बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला एक है, दूसरा नहीं। जब अल्लाह ताला एक है, उनकी तमाम हुलिया का पता चल गया अल्लाह एक है, उनकी सूरत शक्ल सूरत कैसी हो गई ये भी पता चल गया, तो हमें रुजू अल्लाह ही की तरफ करना है, हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है, हमें जीसस मसीह ईसाई की इबादत से हटकर, हाँ हम मानते हैं रसूल उनको भी मानते हैं, हम उनको बड़ा अदब व अखलाक का करैक्टर मानते, बड़ा इंसान अच्छा मानते हैं, हम राम जी को भी बड़ा महान पुरुष इंसान मानते हैं, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते, उनको भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। जब इन तमाम मंत्रों से ये साबित हो गया कि अल्लाह ही ताला है जो हम सबको पालने वाला है, एकेश्वरवाद ये वेद कहती है, एकेश्वरवाद जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना। जब अल्लाह ताला को हम एक मानेंगे तो अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में ऐसी नहीं जो एक हो, या तो उनके फैमिली दो है या तीन है या चार है, या चार बेटे से है, पांच बीवियां से है, लेकिन अगर कोई जात एक है तो अल्लाह ताला है। हमें रुजू अल्लाह ही की तरफ करना है, और जब रुजू अल्लाह की तरफ कर गए तो हमें अल्लाह ताला ही से मानना है, जो मांगना हो, बेटा हो बेटी हो, हम अल्लाह ही की दरबार से मांगे, अल्लाह के सामने अपना दामन फैला कर अल्लाह से मांगे,
अल्लाह ये चीज हमारी जरूरत है तू ही पूरा कर सकता है, तू तेरे अलावा कोई दे नहीं सकता है। या चित यो यो पिम्मा नस्तस्मा देवी सोरी सा, या चित यो यो पिम्मा नस्तस्मा देवी सोरी सा, उसी से मांगो, उस ईश्वर से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। अल्लाह के अलावा, ईश्वर के अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। हाँ, कोई देवी देवता नहीं दे सकता है, अल्लाह ताला ही दे सकता है। इसलिए मुसलमानों, हमारा आमाल जो भी हो, हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, तवक्कुल अल्लाह, हम अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखें, हमें जो भी हाजत रुआ हो हम अल्लाह ताला से मांगे। और इस मंत्र के ऊपर एक हदीस भी बयान कर देता हूँ। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है, अल्लाह के नबी मुझे बहुत दूर का सफर करना है, शाम का वक्त होने जा रहा है, रास्ता काफी खतरनाक है, रास्ते में जंगल में रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, उसमें बड़े बड़े जानवर हैं, काटने वाले जानवर हैं, शेर हैं, हाथी हैं, बड़े बड़े हानि पहुंचाने वाले जानवर हैं, मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने मुख्तसर नसीहत की, इजा साल तफसलिल्लाह व इजा स्तन तफस्तइन बिल्लाह। आए सहाबी, आए फला, जब भी कोई मांगो अल्लाह ताला की जात से मांगो, जब भी सवाल करो तो अल्लाह ताला से सवाल करो, जब भी मदद की जरूरत पड़े तो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। आए मुसलमानों, आपके अंदर भी कुछ खुराफाती है कि आप कुछ मुसलमान हैं जो मजारों पर जाते हैं, हाजी अली की दरगाह में जाते हैं, आप बड़े शौक से जाइए, लेकिन आप उसको हाजत और मुश्किल गुजार क्यों समझ रहे हैं, आप उनसे बेटा बेटी क्यों मांग रहे हैं। मुसलमानों, हम सब एक हैं, हम सब की दावत एक ही है। हदीस में कहीं नहीं कहा गया कि हम फिरके में बटे हैं, हदीस में हमेशा हमको अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम कहा गया। यहाँ तक के हज्जतुल विदा में इसी तरह मजमे में अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, 144,000 सहाबा के में आपने ऐलान किया, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम। ऐ मुसलमानों, तुम पर आपस में एक मुसलमान का खून हराम है, तुम पर आपस में एक मुसलमान का माल हराम है, लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक मुसलमान की माल की हिफाजत करो, एक मुसलमान की खून की हिफाजत करो। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन अलैकुम मालुहु व दमुहु व इर्जुहु। एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। इस हदीस से पता चलता है कि हम सब एक है, कोई सुन्नी बरेलवी, ये हमने आपस में इस दौर में फितना और ये हमने फिरका बनाया है, लेकिन हम सब की दावत कुलुला इलाहा इल्लल्लाह है, हम सब की दावत एक अल्लाह की तरफ है। हम सब अगर दावत इलाहा इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम सब वही कलमा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कुलु तुफलि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलि हो। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले तो हम अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब हो जाएंगे, हमें जन्नत मिल जाएगी। और ये मंत्र तो पंडित भी अपने किताब में मरने वाले से पहले कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्लल्लाह परम पदम, कि जो सक अपने ईश्वर की तरफ जन्नत जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए चाहता है, उनका अरमान ही होता है, ख्वाहिश होती हो कि हम स्वर्ग जाए, प्रधान नगर जाए, उनको भी मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा, उनके सारे पाप मिटा दिए जाएंगे, उनके सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आइए इस मंत्र की तियाते का हदीस पढ़ो, इन्नल इस्लाम ला यहदीमु मा काना कबला, इन्नल इस्लाम यहदीमु मा काना कबला। इस्लाम लाने के बाद तो सारे गुनाह मिट जाते हैं, गोया कि आप बच्चे हो गए, गोया कि आपको आपकी माँ ने दोबारा नया जन्म दिया है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद, कलमा गो हो जाने के बाद, इस्लाम ला जाने के बाद आप एक अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बन गए, एक अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन गए। लिहाजा जब भी कोई जरूरत पड़े तो हम अल्लाह से मांगे, जब भी किसी चीज की मदद की जरूरत पड़े तो हम अल्लाह ताला से मदद करें, मदद तलब करें। आखिर मैं किसको कहा लाया आपको कि इन तमाम मंत्रों को पढ़ने के बाद आप अल्लाह ही की तरफ रुजू करें। अल्लाह का हुलिया बता दिया, अल्लाह के फैमिली बता दिए, अल्लाह कितने फैमिली से होंगे, अल्लाह के शक्ल सूरत क्या होंगे, इस तमाम चीज़ें वेदों में मौजूद है। कल का जो मेरा प्रोग्राम होगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे। इस और एक दो मंत्र पढ़ के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, शायद टाइम ख़त्म हो रहा है, और एक दो मंत्र पढ़ के मैं आपके सामने से रुख्सत लूँगा। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप इस
सभा में आए हैं या मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है, तो मैं भी जितना कुरान पढ़ता हूं आपके वेदों से भी मुतालिक मुझे बहुत सारी जानकारी है। वेद का माना जो है, कुरान का माना वही है। हम जब दोनों को एक चीज़ और एक नज़र में देखते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि अलग मज़हब है। हाँ, ये लगता है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई रसूल भेजे हैं। हो सकता है आपके दरमियान भी कोई ना कोई नबी आए हैं, लेकिन कौन आए हैं हम ये नहीं कह सकते। ओम भ्रुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है। आप पूछिए, उनके ही बच्चों से पूछिए, कह सकेगा? बहुत लोग नहीं कह सकेंगे, लेकिन हमें मोहब्बत है, हमें राम जी के अखलाक से मोहब्बत है, हमें श्री कृष्ण जी के करेक्टर से मोहब्बत है, इसलिए ये मंत्र को मैं याद किया हूँ। और वो मंत्र, यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, धर्म को छाती पहुँचेगी, तो अधर्म तरक्की करेगा। इसका मतलब जब धर्म के मामले में कोई चीज़ बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तरक्की करेगा। इस मंत्र के तहत मैं आपको कुछ बातें रखूंगा कि जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी। और ये मंत्र कब कहा गया? ये मंत्र उस वक्त कहा गया जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। हम लड़ाई करेंगे क्यों? उनके सामने उनके चचेरे भाई थे, चचा थे। अर्जुन ने कहा, मैं अपने चचेरे भाई से लड़ नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, अपने चचे से लड़ नहीं सकता। ये लड़ाई इसलिए हुई थी, 5 पांडवे थे और कौरव 100 थे। पांडवों का ये कहना था कि हमें आधा राज दे दो, आधी मिल्कियत दे दो, या फिर हम लोग 5 भाई हैं, हमें 5 गांव ही दे दो, उसी में रह लेंगे। लेकिन कौरव ने कहा कि नहीं, हमें तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। अगर सुई के नोक कितनी जगह होगी, जाहिर सी बात है, इतनी सुई के नोक के बराबर भी अगर तुम्हें भूमि चाहिए, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें जंग करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, छोड़ो यार, नहीं जंग करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जी की तरफ से आदेश आया, आए अर्जुन, लड़ाई करो, युद्ध करो, ये मामला हमारा और तुम्हारा आपसी मामला नहीं है, ये धर्म का मामला है, ये धर्म का मामला है, इसलिए तुम लड़ाई करो, युद्ध करो। अगर उस युद्ध में हार गए तो तुम्हारा ठिकाना स्वर्ग होगा, जन्नत होगी, अगर जीत गए तो महान योद्धा कहलाओगे। उसी तरह इस्लाम में जब कोई मुजाहिदीन जिहाद करने के लिए जिहाद के मैदान में जाता है और शहीद हो जाता है, तो अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, शहीदों का मकाम, शहीदों का ठिकाना जन्नत है। लेकिन हाँ, अगर वो मुजाहिदीन मर्द मुजाहिद जीत जाए तो उसे मुजाहिदीन कहलाएगा, उसे गाजी कहलाएगा। वही मंत्र यहाँ भी है, वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम तलवार उठाने की तालीम देता है, लेकिन अगर एक नजर से देखिएगा, ध्यान दे के सोचिएगा, गौर तफक्कुर कीजिएगा, आपको इस्लाम कभी दहशतगर्दी की तालीम नजर ही नहीं आएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये कह दिया, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके बारे में जैसा सोचोगे वैसा लगेगा, लेकिन हालांकि है नहीं। अच्छा, हम मान के चलिए किसी आदमी को चोर समझेंगे, आपको लगेगा वक्ती तौर पर चोर है। इसलिए इस्लाम को अगर सही दृष्टि से देखोगे, सही नजर से देखोगे, इसमें आतंकी और दहशतगर्दी की तालीम है ही नहीं, सेम वही चीज है जो इस्लाम में है। तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, हम लड़ेंगे नहीं। ईश्वर की तरफ से आदेश आया, ईश्वर ने यह कहा, आए अर्जुन लड़ाई करो, ऊपर से ईश्वर की मदद आएगी, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी तब तब मैं अवतारित लेकर आता हूँ, तब तक मैं इस भूमि के अंदर आता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, वही चीज हदीस में कहा गया, जब जंगे बदर के मौके पर सहाबाए किराम की तादाद सिर्फ 313 और कुफार मुशरिकीन की तादाद 1000 से ज्यादा, मुसलमानों के पास तलवार थी तो घोड़े पर चढ़ने के लिए जीन नहीं थी, मुसलमानों के पास अगर गोलियां थी चलाने के लिए बंदूक नहीं थे, मुसलमानों के पास बिल्कुल साजो सामान तैयारी के साथ नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुलिक हाज़िल हिसाबा
ان تولک حاضر صحابہ لن توبد بعد اليوم قطو. اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے ہمارے پاس, یہ مٹھی بھر جھارکھنڈ واسی ہے ہمارے پاس, سب لوگ مرتد ہو چکے ہیں, سب لوگ کافر ہو چکے ہیں, یہی مٹھی بھر جماعت ہے ہمارے پاس. اگر یہ آج ختم ہو گئے, اس زمین سے ان کا نام و نشانہ مٹ گئے, تو ایک بات یاد رکھنا, زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, زمین میں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, زمین میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. ایشور کی طرف سے یہ مدد آئی, اللہ نے یہ مدد بھیجی اور 313 صحابی 1000 مشرکین کے اوپر غالب آ گئے اور مشرکین مغلوب ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی واقعہ اس کے اندر ہے, یہی چیز اس کے اندر ہے, یہی اس کو نچوڑ ہے کہ جب جب دھرم کے اندر گلانی ہوگی, دھرم کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے گا, تب ایشور کے آدیش آئیں گے, ایشور کی مدد آئے گی. اور کیسے مدد آئی سنیے, اس کو میں تھوڑے زور و شور کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سریلی انداز سے کہنا, اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. جب ہار گئے یہ لوگ, ہار گئے ارجن لوگ, ہار گئے جب ان کو کہا گیا کہ جوا کھیلو, جوا کھیلنے لگے اور ہار گئے, اپنے بیوی کو بھی جوئے میں ہار ڈالے, دروپدی کو کھینچنا شروع کیا. یہ دروپدی کون تھی میں اس کی بھی تشریح کروں گا. دروپدی کو کھینچنا شروع کیا, ان کے ساڑی کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا, ان کے دام میں یہ پردہ ہے یا نہیں آج میں ثابت کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں, جب کپڑا ساڑی پکڑ کر کھینچا جا رہا تھا, ایشور کی طرف سے آدیش آیا, ایشور کی مدد آئی, شری کرشن جی نے ان کے کپڑے کو بڑھا دیا, جاؤ کھینچتا جاؤ, جتنی دور کھینچو گے ان کی ساڑی لمبی ہوتی جائے گی, ان کا کپڑا بڑا ہوتا جائے گا, ان کا جسم ننگا ہونے نہیں دوں گا, ان کا بدن ننگا نہیں ہونے دوں گا. پتا چلا اس کے دھرم میں بھی پردہ ہے, پتا چلا کہ ہندو دھرم میں بھی پردہ ہے, لیکن آج ایک اینکر, اینکر تو بیچ کا حصہ ہوتا ہے. اگر مسلمان ہندو کے معاملے میں کوئی لفڑا ہو, کوئی اگر الفت باقی نہ رہے, نفرت اور عداوت کے بیج بوئے جا رہے, تو اینکر کا کیا کام ہے, دونوں کو یہ کیا جائے. لیکن کچھ اینکر ایسے ہیں جو ہمیشہ ہندو مسلمان کو پڑگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں. ایک اینکر چلا 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 کر کہتی ہے, اسلام میں کہا پردہ ہے, پردہ کریں گی تو عورتیں کہاں اور ترقی کریں گی, پردہ کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام میں کہاں پردہ ہے. سورہ نور کی وایت شاید ان کو معلوم ہو جاتی, جس طرح ہمیں ان کے پردے کے بارے میں معلوم ہے, انہیں بھی قرآن کا کچھ علم ہو جاتا. میرے پیارے ساتھیوں, تو ارجن نے یدھ کرنے سے جب منع کر دیا, شری کرشن جی نے کہا یدھ کرو, لڑائی کرو, یہ ہمارا معاملہ اور تمہارا معاملہ نہیں ہے, یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے نپٹ لیا جائے, یہ دھرم کا معاملہ ہے. اور لہذا جب دھرم کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے تو ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اسلام اسی چیز کو کہتا ہے, سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 کے اندر, کہ جب تم مجلوم بن جاؤ, جب تمہارے ساتھ ظلم و ستم ہونے لگے, تو اسلام آخری موقع پہ تمہیں بھی اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑائی کرو. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 کے اندر, کہ اے مسلمانوں, اگر جہاد بھی کر رہے ہو, اگر جنگ بھی کر رہے ہو, میڈیا والے اگر تمہارے پاس یہ تقریر میری پہنچے تو لکھو, قرآن کہتا ہے اگر جنگ کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو سنو, اللہ حد سے تجاوز کر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے.